कैमरे को इधर कर मेरी तरफ कर दीजिए बेफिक्र रहें आप आई एम सॉरी क्योंकि मेरी वजह से जो है प्रोग्राम देर में शुरू हुआ है और उसकी वजह ये थी कि मैं चाहती थी कि आज ये जो इतनी अच्छी महफिल जमी है जो इतने अच्छे फनकार हमारे सामने मौजूद हैं ये रोज रोज तो तशरीफ नहीं लाते हैं सुधीर नारायण साहब तो इनकी मेमोरीज हमारे पास रहें वीडियोस पर और मैं जो हूँ वो उसका एक तार जो था वायर वो मैं घर पर भूल कर आ गई थी और घर इतना ज्यादा करीब नहीं है तो इस वजह से मेरी वजह से देर हो गई तो मैं सुधीर नारायण साहब का मुझे तारुफ कराना था लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो कुछ भी मेरे मुझे मालूम है वो मैं बता देती हूँ और बाकी मैं इनसे खुद दरख्वास्त करूँगी कि ये अपने आप अपना तारुफ करा दें सुधीर नारायण साहब का कमाल ये है कि वो तमाम उस्ताद शायरों का कलाम आप तक पहुँचाते हैं अपनी आवाज में और ये हर एक के बस की बात नहीं है मैंने कल इनसे गालिब का कलाम सुना और मैं समझती हूँ कि ये इस तरह के फनकार दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं ये पहले भी कई बार यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और एडमिंटन में जब भी आते हैं इनके मदा जौक दर जौक इनको सुनने के लिए तशरीफ लाते हैं
जिन्होंने इन्हें जो भी इनको एक बार सुन लेता है वो फिर इनको जरूर दोबारा सुनना चाहता है। इस मर्तबा खुशकिस्मती से कुरा बज़्म-ए-सुखन के नाम से निकल आया है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये पहला प्रोग्राम है इनका जो हम बज़्म-ए-सुखन की तरफ से कर रहे हैं और इसे हम समझते हैं कि ये हमारी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है कि हमें ये मौका मिला है। सुधीर नारायण साहब को आपने रेडियो टीवी हर एक पर देखा होगा, आप इनको एटीएन पे देखते रहते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि एटीएन पे इन्हें बहुत हमने देखा है। इसके अलावा भी इन्होंने बड़ा नाम पैदा किया है, इन्हें बहुत अवार्ड्स मिले हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और ये इस वक्त भी जब आए हैं तो पूरे नॉर्थ अमेरिका का यूएस और कनाडा बहुत जगह इनके जो हैं कॉन्सर्ट हो रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे पूरी तफसील नहीं मालूम, मैं यात्रा से तशरीफ लाए हैं इतनी दूर से आपके लिए, अपने मदाओं की तफरी तबाह के लिए मैं चाहती हूँ कि बाकी अपना तारुफ या खुद कराएं। लेकिन इससे पहले मैं इनके लिए ये जरूर कहूंगी, बंगाली के मशहूर शायर काजी नजरुल इस्लाम ने कहा है कि ये कौन है जिसकी आवाज से सोया हुआ पत्थर जाग उठा, ये कौन है जिसकी आवाज से सोया हुआ पत्थर जाग उठा, संगीत का चश्मा फूट बहा, नगमात का चश्मा फूट बहा। तो मैं ये पूरा शेरी मैंने सोचा कि मैं आपको सुना देती हूँ। संगीत की बर्फ पिघल निकली, नगमात का चश्मा फूट बहा, खिलती हैं तेरे सागों से ये कलियां तेरे नगमों की, तू वो है जिसकी आवाज से सोया हुआ पत्थर जाग उठा। तो आज सोए आप लोग बिल्कुल नहीं सो सकते हैं, रात के 1 बजे 2 बजे तक नगमात का दरिया इसी तरह बहता रहेगा और सुधीर नारायण की आवाज इसी तरह मधुर सुरों में अब तक पहुंचती रहेगी। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। और बात में हरजीत सिंह साहब, हरजीत सिंह साहब तबले पर तशरीफ लाए हैं, तबले पर संगत दे रहे हैं और ये कैलरी से तशरीफ लाए हैं और इनका भी तबला बजाने में जवाब नहीं है तो फिर देखिए दोनों मिलकर आज क्या जादू जगाते हैं। शुक्रिया बहुत। Yeah.